हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इस ड्रोन के बारे में, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग पिछले वीडियो में कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ्स और इसके कुछ ऐसे मेथड के बारे में कि अगर आप ड्रोन फील्ड में पहली बार आए हैं, आप बिगनर हैं इस ड्रोन फील्ड में, तो आप कैसे उड़ा सकते हैं, कैसे उस एयर की स्ट्रेंथ, एयर में जाने के बाद इस ड्रोन की जो परफॉर्मेंस हो जाती है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप, और इसकी कुछ रेंज जो है 50 to 50 मतलब 100 मीटर की रेंज है इसकी आसपास, उसकी हम बात करेंगे। और इसके 360 फ्लिप जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। और आप अगर इसके नीचे थ्रेड लगा के उड़ाना चाहते हैं, जो बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी बात है इन सब ड्रोन्स में, क्योंकि ये ऑटो बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसमें थ्रेड लगाते, देखिए मैंने यहाँ लगाया है, आपको मैं दिखाने के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा, इसके 100 मीटर्स की रेंज को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँगा, तो उसके लिए मैंने लगा रखा है। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ मजबूत कर सकते हैं इस ड्रोन फील्ड में। और अगर आपने इस अच्छे से ड्रोन्स पे, ऐसे बिगनिंग ड्रोन्स पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो बड़े बड़े ड्रोन्स आपके लिए कुछ भी नहीं। मैं उन ड्रोन्स की नहीं बात कर रहा हूँ, DJI Mavic Pro या DJI का कोई मॉडल, क्योंकि वो 60 अबव होते हैं और उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती, काफ़ी बैलेंस होते हैं वो एयर में, पर ये सब नहीं, ये सब बैलेंस नहीं होते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग प्रॉपर्टी सब ड्रोनों में नहीं आती, इसकी काफ़ी अच्छी बात है, इसमें है थोड़ी मेरी पर उतनी नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा थ्रेड, उतना पतला थ्रेड मत लीजिएगा, वो सिलाई करने वाला थ्रेड नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इसके प्रोपेलर्स में वो थ्रेड फंसा तो प्रोपेलर्स की वजह से टूट जाएगा, और अगर हवा में टूटा तो फिर सीधा लैंड करेगा नीचे और टूट सकता है। टूटने की तो वैसी बात नहीं, क्योंकि उसको मैंने 10 से 15 बार मुझसे एक्सीडेंटली टकराव हो गया था दीवारों से या उड़ाते समय, तो अब तक इसमें कोई भी डैमेज नहीं आया है। तो इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो आप ले सकते हैं ऐसा धागा, ये देखिए, देख सकते हैं ऐसे धागे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने नीचे इसको बांधा है, आप देख सकते हैं, इन पैर लैंडिंग पैड्स में मत बांधिए, क्योंकि जो बैलेंस करेगी प्रॉपर्टी उसको शायद डिस्टर्बेंस आए जो एयर में जाए, उसके बाद ये बैलेंस एक साइड खींचेगा और हो सकता है कि इसके बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो, और ये नहीं चाहेंगे आप कि आप इतने महंगे ड्रोन्स को खो दें। मैं दिखाऊंगा, मैंने खोया था और फिर मुझे मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह उड़ाएंगे अगर आप बिगनिंग कर रहे हैं इस ड्रोन में। तो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने बैटरी को चार्ज लगाया, आप देखिए बैटरी स्लॉट यहाँ रखा है और ये कैमरा स्लॉट है, आप यहाँ बैटरी इंसर्ट करके 1 आवर्स की चार्जिंग पे 20 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम ले सकते हैं आप इस पर, काफ़ी अच्छा, और देख सकते हैं। और अगले क्लिप में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसको।